Welcome to my YouTube channel, and this is my first video which I am gonna upload on YouTube. So today I am gonna show you how to install tamper data on Mozilla browser. Okay, so first of all तो हम check कर लेते हैं क्या Mozilla browser में tamper data कैसे install करेंगे. Okay, so ये file पे जाते हैं, about पे जाते हैं, latest version है Firefox is up to date, more tools and no, not add-on, okay, add-on extension, search extension or a get extension, find more action, add-ons, tampered data. ओके, सो टेम्पर डेटा में यहाँ पे नॉट कंपेटिबल विथ फायरफॉक्स क्वांटम, और यहाँ पे ऐड टू फायरफॉक्स का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है. सो कैसे इसे इंस्टॉल करें? सो सबसे पहले इस लिंक पे क्लिक करो, सेव लिंक एस. ओके, एक्सपीएस फाइल रहेगा, लेकिन इससे पहले जो मेरा एक्सपीएस फाइल है टेम्पर डेटा का, ओके, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ. फाइन, एक फोल्डर बना लेता हूँ मोजिला फायरफॉक्स. इसमें एक और मैं फोल्डर बना लेता हूँ, फायरफॉक्स एंड टेम्पर डेटा. सो मुझे इस एक्सटेंशन को सेव करना रहेगा, इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं, सेव लिंक एस. सो डेस्कटॉप मोजिला फायरफॉक्स टेम्पर डेटा, यहाँ पे मैं सेव कर दे रहा हूँ इसे. इसके बाद मुझे अपना फायरफॉक्स इंस्टॉल करना रहेगा. appwiz.cpl में जाओ आप, फायरफॉक्स आपको इंस्टॉल कर लो, मोजिला फायरफॉक्स या 62.2.0 वर्जन. ओके, इंस्टॉल. ओके, कम्प्लीटली इंस्टॉल होने के बाद मुझे ऐप डेटा में जाना रहेगा. ऐप डेटा में जाके मुझे लोकल के अंदर मोजिला की जो प्रोफाइल्स है उसे भी डिलीट करना रहेगा, एंड लोकल नाउ के अंदर भी मोजिला डिलीट करना होगा, एंड रोमिंग के अंदर भी मुझे मोजिला डिलीट करना होगा. नाउ फाइन, अभी इससे मुझे डॉट जिप कर देना है रीनेम. अगर आपको इसका एक्सटेंशन नहीं दिखता है तो आप व्यू में जाओ, इधर फाइल नेम एक्सटेंशन पर क्लिक कर देना है. नाउ इसके बाद आपको विनरार या विनजिप में ओपन करो, बाहर इसे एक्सट्रैक्ट कर दो. एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंस्टॉल डॉट आर डी एफ फोल्डर को आप राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस में इंस्टॉल कर ओपन कर देना है. नाउ इधर 3.6 के जगह 4.6 करना है एंड सेव कर देना है. सेव करने के बाद क्या करना है, इसे क्लोज कर देना है. वापस से आपको ये सबको सिलेक्ट करना है, जो जिप वाली फाइल है उसे आप डिलीट भी कर सकते हो. ओके, ये सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, सेंड टू कंप्रेस जिप कर देना है, और यहाँ पे जो जिप फाइल बनता है उडर डॉट xpl कर देना है. लेट मी चेक क्या xpl फाइल ही है, xpi फाइल है. ओके, माइनस चेक xpi फाइल कर देना है. बाकी के जो डेटाज है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ. तो हमने इस टेम्पर डेटा में मॉडिफाई कर दिया है. नाउ फायरफॉक्स कौन सा वर्जन आपको चाहिए रहेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. फायरफॉक्स आपको चाहिए रहेगा 52.8.1 ESR. ओके, इसे मैं कट करके यहाँ पे रख लेता हूँ. इस फायरफॉक्स को आपको इंस्टॉल कर देना है. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इंस्टॉल. इंस्टॉल जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आपको इसे रन कर देना है.
जैसे फायरफॉक्स रन हो जाता है, डू नॉट इम्पोर्ट एनीथिंग, ओके फाइल, नॉट नाउ, ओके। यहाँ पे आपको न्यू टैब में अबाउ पुट कॉलन कॉन्फिग टाइप करना है, यस आई एक्सेप्ट द रिस्क, देन एक्स पी आई एन करना है, और यहाँ पे जो एक्स पी आई एन सिग्नेचर रिक्वायर्ड थ्रू है उसे टॉगल करके फॉल्स कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका ऑटो अपडेट ऑफ करना है, नेसेसरी है। अपडेट में जाओ, यहाँ से सारा ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद न्यू टैब में जाना है, एड ऑन पे जाना है, एक्सटेंशन पे जाना है, फाइल इंस्टॉल एड ऑन फ्रॉम फाइल, सो मोजिला फोल्डर के अंदर टेम्पर डेटा है इसे इंस्टॉल कर देना है, जस्ट इंस्टॉल रिस्टार्ट योर फायरफॉक्स। अगर आपका फायरफॉक्स अपडेट हो गया रहेगा तो यहाँ से टेम्पर डेटा निकल जाएगा, अगर आपका फायरफॉक्स अपडेट नहीं हुआ तो यहाँ का टेम्पर डेटा यहाँ पे ही रहेगा। सो लेट्स चेक, चेक करते हैं अपलोड करके क्या ये टेम्पर डेटा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एट ईपीएम मेकर्स, मोजिला फायरफॉक्स जो मेरे पास है वो 64 बिट्स है, अगर आपको 32 बिट्स चाहिए रहेगा तो भी आप कर सकते हो। नाउ टूल टेम्पर डेटा एंड स्टार्ट टेम्पर सबमिट, या टेम्पर ग्रे, स्टॉप टेम्पर ग्रेड, या वर्किंग नाउ। अमेजिंग। सो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, आपको अगर कुछ इसमें कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड वन मोर थिंग, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, फेसबुक एंड यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच, सो बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।